सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए 32,127 सैन्य बहनों के लिए आवश्यक सूचना। अभी अभी सुरजीत सर सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर मैसेज के माध्यम से 32,127 सैन्य बहनों को अपडेट किए हैं। जल्दी जल्दी सभी एनएम बहन इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों देख लीजिए मैसेज के माध्यम से अभी सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में सुरजीत सर अपडेट किए थे। चलिए पढ़ के एक एक टॉपिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो क्या क्या अपडेट किए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए एक एक करके हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, आप सभी को मैसेज देखकर मुझे लगा कि प्रबोध ग्रुप के सभी क्रांतिकारी भाई एवं बहन सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य बनाने हैं तो किसी प्रकार से अगला को सूचना देना चाह रहे हैं जो काबिले तारीफ है। यही है प्रबोध ग्रुप की पहचान है। लेकिन कोई लोग की ग्रुप ठीक है यूट्यूबर गाली गलौज एक दूसरे को देने शिकायत करने में अपनी पहचान बनाने में लगी है। देख लीजिए जो आप देख ही रहे हैं जो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जिन्हें मेरे तरफ से भी धन्यवाद ठीक है, फिर भी सर धन्यवाद किया। तुम लोग खूब गाली दूसरे को दो ताकि तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को भी यही दिखे। शिकायत गाली का क्लास करो जिसमें महारत हासिल करो ठीक है। बिल्कुल मेरे तरफ से भी एडवांस में कंग्रेचुलेशन। दूसरी बात, आप लोग परेशान ना हो, जिन्हें परेशान होना है वो नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग भी अपना काम करें क्योंकि ये साहब साहब समझ ले कि अपनी प्रबुद्ध ग्रुप के वकील साहब यानी सीनियर विद्वान अमन लेखी सर, कामत सर एवं सम्मान वर्धन गौतम सर सभी लोग अपनी काम कर चुके हैं। अब अर्चना कुमारी के जूनियर वकील बिरिंदर कुमार शर्मा अपने से काउंटर हैप्पी रिपीट के लिए खुद रजिस्ट्रार से प्रार्थना की है कि मुझे 4 सप्ताह का समय दिया जाए, तो इस बीच में उन्हें किसी भी हाल में काउंटर फाइल करनी होगी, नहीं तो कोर्ट उन्हें अगला बार समझ लेगा कि इनको इस केस से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद रजिस्ट्रार आगे रजिस्ट्रार साहब कोई मतलब नहीं है, इसके बाद रजिस्ट्रार आगे की प्रक्रिया में केस को सुनवाई है तो जज साहब के यहाँ ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि कोई एक चांस किसी को देता है बार बार नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा दिन तक जल राजी नहीं चलेगा चलेगा ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने वकील से भी बात करूंगा। इसलिए मतलब ज्यादा दिन तक सुप्रीम कोर्ट में आप जलसाजी नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक आप झूठ नहीं बोल सकते ठीक है, वही बात यहाँ पर सर लिख रहे हैं, थोड़ा सा और इसमें लिखते हैं। चलिए तो मैं अपने वकील से भी बात करूंगा, इसलिए आप लोग हताहत न हो, जिसको परेशान होना है वो परेशान ही नहीं है, तो हमारे ग्रुप के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ जवाब इस बार देना ही होगा, समझे कि नहीं। तीसरी बात, आप सभी लोगों की सलाह अच्छी है और मैं भी बताया हूं और मैसेज से बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर वकील की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग पटना हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट से बहस करवाए थे, यहाँ तो हाईकोर्ट के डबल बेंच पर ही बहस में जूनियर वकील की वैल्यू नहीं रहती और लोग जूनियर वकील से एनओसी लेकर जूनियर ही रख ली गई, और तो और 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा फाइल किया, काउंटर नहीं, जो बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल शिवम सर भी आपको भी पता होना चाहिए जूनियर वकील थे और वीरेंद्र कुमार भी जूनियर वकील थे, शिवम सर से एनओसी लेके फिर से जूनियर वकील ही रखा गया, और तो और 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा ही फाइल किया गया इन लोगों के द्वारा, जो बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए अभी भी समय है, अगर सुप्रीम कोर्ट केस लड़नी है तो अच्छे वकील रखे, नहीं तो बहुत झोला छाप वकील के बदौलत नैया पार नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और ये बात अगला आदमी भी जान रहा है फिर भी गलती पे गलती करते चल रहा है। ये अगला पर्सन ही पता है, जो पटना हाईकोर्ट में ही जूनियर वकील का वैल्यू नहीं होता तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर वकील का क्या वैल्यू रहेगा, और फिर भी लोग गलती पे गलती करते चला जा रहा है। चलिए अगला देखिए, 3 पेज में आंसर दिए, 3 पेज में बताइए सर, 3 पेज में बताए हैं। तो पोर्टल पे आके बताया कि मैं काउंटर फाइल नहीं करा सकते, साफ सिलेंडर करें और एनओसी लेकर 1 सप्ताह के अंदर सारा काम समाप्त और केस को जज साहब के यहाँ बहस के लिए चला जाएगा। तो हम तो पहले ही बता दिए, अगर इन लोग से नहीं होता है तो कहिए सिलेंडर कर देने के लिए, एनओसी लेके आने के लिए 1 सप्ताह के अंदर हम लोग काउंटर फाइल करवा के रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से हम लोग हर चीज करवा के जज साहब के यहाँ जो है हम लोग केस सुनवाई में चला जाएगा 1 सप्ताह में, सिर्फ 1 सप्ताह में। ये लोग सिलेंडर तो करे, वही बात सर भी लिखे, 1 सप्ताह के अंदर सारा काम समाप्त कर केस को जज साहब के यहाँ बस पर चला जाएगा, पहले बता दिए और सुनवाई हो जाएगी। लेकिन कुछ महानुभाव इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वह तो जब तक एनएम की भविष्य बर्बाद नहीं कर देगा तब तक उसे चैन कहाँ है, क्योंकि उसे न तो आर्थिक मेंटली और न फिजिकली
मदद करनी है, सिर्फ और सिर्फ आज तक बकबक करने के सिवा कुछ नहीं किया। आप देखिए रहे लोग बकबक कर रहा है, हर चीज कर रहा है, बच्चों को फ्यूचर को बर्बाद करने में लगे हुए। वही बात लिखे सर, अगर लाइव में आते हैं तो लाइव में आपको जानकारी देते, मजबूरी बस सर मैसेज के माध्यम से बता रहे, क्योंकि अभी हम आपको बता ही दिए, कल 12 बजे कोशिश की है, कल नाइट में कोशिश की है, क्योंकि अभी बग चल रही है। चलिए आगे देखिए, बकबक करने के सिवा कुछ नहीं किया और अर्चना जी को बलगला के भी रखा, ठीक है, ख्वाब लंबा लंबा दिखाया, और जब मैच स्टार्ट हुई तो मैदान में जूनियर वकील खेलने लगा, तो समझ ले कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जूनियर केस लड़ेगा तो क्या होगा। सही बात है, कोर्ट में जूनियर केस लड़ेगा तो क्या होगा, इसीलिए अभी से भी समय है अपनी बुद्धि पर विवेक को हावी ना होने दे, अविवेक को, अपनी बुद्धि पर अविवेक को हावी ना होने दे। बाकी तो मेरे प्रबुद्ध ग्रुप की तरफ से दो सीनियर विद्वान अमर लेखी सर, कमल सर, समर वर्धन गौतम सर एवं 3 जूनियर काफी है। अंत में मेरे सभी प्रबुद्ध ग्रुप के क्रांतिकारी भाइयों एवं बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन आपकी उच्च विचार और कुशल सलाह के लिए, धन्यवाद, ठीक है। सुरजीत कुमार संयुक्त मंत्री, आप देखें जो सर आपको लाइव आके बताते हैं वही आप जो है मैसेज के माध्यम से सर 32,127 सैन्य बहनों को बताएं। इस बार ये लोग समय लिया है तो हर हाल में इन लोगों को काउंटर फाइल, ठीक है, करना ही होगा, हर हाल में कुछ ना कुछ इन लोग काउंटर फाइल करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को सीधे साइड कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, तो आगे की प्रक्रिया जो है सीधे सुनवाई है तो जज साहब के पास चला जाएगा, इसीलिए इन लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। और 32,127 सैन्य बहन परेशान है, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम पहले ही बताए हैं, तो सभी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सभी को मौका दिया जाता है, एक मौका इन लोग भी दिया गया, ठीक है। इन लोग तो एक बार हम बोल दिए, एक सप्ताह के अंदर हम लोग जो है जज साहब के पास केस पहुंचा देंगे फाइनल सुनवाई के लिए। ये लोग एनओसी तो लेके आए, सिलेंडर तो आके करे, ठीक है। यही सर अभी जो है मैसेज के माध्यम से आप लोग को 32,127 सैन्य बहनों को बताया है, जो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, ठीक है, हम लोग आपके साथ है, हमेशा हम लोग आपके साथ थे, है और आगे भी रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। जिसको परेशान होना है वो लोग आराम से मस्ती कर रहा है, फंडिंग पे फंडिंग करवा रहा है, ठीक है, उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको काउंटर देना है। अब भाई हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को तो पहले ऑलरेडी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में काम हो गया, फिर हम लोग क्यों टेंशन ले। इसीलिए सभी 32,127 सैन्य बहनों को बोल रहे हैं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना, कंटिन्यू अभी आपको जो है पढ़ाई करना है, पहले भी हम आपको बता दिए और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, कंटिन्यू अभी आपको जो है पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। 12 बजे आपको दिन में जुड़ना है, डे में आपको 12 बजे जुड़ना है, ठीक है, और नाइट में आपको जो है 9 PM में जुड़ना है, और दोनों टाइम आपको जो है पढ़ाई करना है। जिसको टेंशन लेना होगा वो अपना टेंशन ले, ठीक है, ये आखिरी मौका है, क्योंकि कोर्ट सभी को एक बार मौका देता है, ये लोग इसका फायदा उठाए तो ठीक है, नहीं फायदा ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा, समझे। इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, जो सर आपको लाइव में आके बताते वो मैसेज के माध्यम से सर आपको बताए, क्योंकि पहले ही बता दिए है लाइव में लेने का हम पूरे कोशिश किए, ऐसा नहीं कोशिश नहीं किए, बट यूट्यूब पे बग आ गया है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ठीक है दिक्कत है, इसीलिए मैसेज सर को करना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे जो सुरजी सर 32,127 सैन्य बहनों को क्या समझाना चाह रहे हैं मैसेज के माध्यम से, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नाइट में 9 PM, सभी लोग 9 PM में लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।